हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्की टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूँगा कंप्लीट कंपैरिजन रियलमी XT का सैमसंग गैलेक्सी A50s से, और आपको बताऊँगा इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने 5 मिनट से कंपैरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर फीचर हैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो रियलमी XT में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन को आप विदाउट किट केस आराम से यूज़ कर सकते हो, और जैसे ही ये फ़ोन आपके हाथ में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। तो ये फ़ोन दिखने में भी अच्छा है, प्रीमियम भी है। लेकिन अगर बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A50s की, तो वहाँ पर आपको टोटली पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, और जो फ्रंट पे गिलास है वो भी अनस्पेसिफाइड वर्जन है गोरिल्ला ग्लास का। मतलब ये है कि फ्रंट पे गिलास भी इतना अच्छा नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर आपको जो बॉडी है वो भी प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रैम्बो कलर आते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन इंडियन है प्लास्टिक। तो अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो तो साथ में केस लगा के रखो। अब मैं बात करूँ दोनों के डिस्प्ले की, तो दोनों में आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर आपको दोनों में ही वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। दोनों ही देखने में सामने से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, तो दोनों की स्क्रीन सेम है, स्क्रीन दोनों की ही बहुत अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, तो दोनों में से कोई भी फ़ोन लेंगे स्क्रीन बहुत अच्छी है। अब मैं बात करूँ दोनों की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूँगा सैमसंग गैलेक्सी A50s की, तो वहाँ पर आपको एक्जीनोस का 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इनका खुद का प्रोसेसर है, और जो इसका एंटीटू बैंड में स्कोर है 1,55,000। तो यहाँ पर आपको आप कोई भी गेम आराम से खेल सकते हो हाई सेटिंग पे, किसी भी किस्म का गेम। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है वो पबजी वगैरह जो है हाई सेटिंग पे खेलते हो, तो हो सकता है आपको कभी कभी कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, लेकिन पबजी आप अगर मीडियम सेटिंग में खेलोगे तो कोई मसला नहीं आएगा। डे टू डे यूज में कोई इशू नहीं आएगा, ऐप स्वैप करते रहोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सैमसंग गैलेक्सी A50s की, अगर आप कंपेयर करते हो जो पहले सैमसंग के फ़ोन आते थे उनसे। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियलमी XT की, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर जो एंटीटू बैच में स्कोर है इसका वो है 1,77,000, और यहाँ पर आपको कोई भी गेम ये आराम से चला देगा। हाई सेटिंग पे भी आप कोई भी गेम खेल सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर आप फोर्टनाइट खेल सकते हो, और यहाँ पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस को, तो रियलमी XT इज़ अ क्लियरली विनर। अब मैं बात करूँ अगर दोनों की कैमरा की, तो कैमरा डिपार्टमेंट दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करूँगा सैमसंग गैलेक्सी A50s की, तो वहाँ पर आपको मेन में 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल मोड के साथ, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो मेन कैमरे का रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती हैं, और ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है डे लाइट की भी लो लाइट की भी। लेकिन अगर बात करूँ रियलमी XT की, तो वहाँ पर आपको बैक पे चार चार कैमरे मिलते हैं। पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, बहुत ही बड़ा सेंसर है, सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और फोर्थ कैमरा है डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, उससे बहुत ही ज़्यादा डिटेल इमेजेस आती हैं। अगर आप कंपेयर करते हो डायरेक्टली सैमसंग गैलेक्सी A50s से, तो ज़्यादा डिटेल मिलती है रियलमी XT में आपको, और लो लाइट में दोनों की परफॉर्मेंस तकरीबन सेम है, लेकिन रियलमी XT में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। क्रोमा बूस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा पंची कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्लोमो भी देखने को मिलता है, नाइट स्केप मोड भी मिलता है जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ओवरऑल जो कैमरा है बहुत ही ज़्यादा फीचरिस्टिक है, मैक्रो कैमरा भी है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होके भी पिक्चर ले सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमरा है रियलमी XT का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सैमसंग A50s का भी बुरा नहीं है। अब मैं बात करूँगा सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको
सैमसंग गैलेक्सी 50S बेस्ट सेल्फी देता है। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर बहुत ही बड़ा सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छी सेल्फी चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी सेल्फी चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी 50S आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ रियलमी XT की तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की एक नॉर्मल सेल्फी कैमरा मिलता है। तो आपके ऊपर है कि आपको बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए एक नॉर्मल सेल्फी कैमरा चाहिए। अब मैं बात करूँ दोनों की बैटरी की, तो रियलमी XT में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपका आराम से एक दिन दे देगी, डेढ़ दिन भी दे सकती है अगर आप सही से यूज़ करो। और सैमसंग गैलेक्सी A50s में भी आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपका आराम से डेढ़ दिन निकाल देगी। दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, दोनों जो है USB टाइप सी को भी सपोर्ट करते हैं। और दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक है। अब कौन सा फ़ोन लिया जाए, अगर आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, मेन कैमरा जो है अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप रियलमी XT ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए, अगर आपको अच्छी सेल्फी चाहिए, अगर आपको ओवरऑल जो इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है सैमसंग का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर वो चाहिए तो आप सैमसंग का फ़ोन ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।